जनपद में धूमधाम से मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन राप्ती घाट पर नगर निगम द्वारा बनाए गए तालाब में किया गया, जिसके संबंध में सीओ कैंपियरगंज योगेंद्र सिंह ने बताया कि घाट पर नगर निगम द्वारा 3 तालाब बनाए गए हैं। सभी तालाबों पर उप निरीक्षक के नेतृत्व में टीमें लगाई गई हैं। तालाबों में NGRF SGRF की टीमें लगाई गई हैं, जिससे कि किसी भी तरह की घटना को होने से रोका जा सके। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर पुलिसकर्मियों व ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि सभी तालाबों पर एक उप निरीक्षक के साथ 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था का यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किया गया है। मूर्ति विसर्जन को सकुशल सम्पन्न करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज योगेंद्र सिंह ने कहा, Thank you.
कृत्रिम रूप से 3 तालाबों का निर्माण किया गया है। सभी तालाबों पर अलग अलग उपनिरीक्षक के नेतृत्व में टीमें लगाई गई हैं। गोताखोर, NDRF और SDRF की टीमें सभी तालाबों के किनारे लगाई गई हैं। इसके अलावा जो हमारी रोड व्यवस्था है वहाँ पर भी पुलिस फोर्स और ट्रैफिक के कर्मी लगाए गए हैं, जिससे किसी तरह की कोई अव्यवस्था न हो। यहाँ पर जो 3 तालाब हैं, अलग अलग तालाबों के ऊपर उपनिरीक्षक के नेतृत्व में एक उपनिरीक्षक और वहाँ पर 4 कांस्टेबल, 2-2 महिला कांस्टेबल लगाई गई हैं सभी जगह पे। बाकी जहाँ पर एंट्री होती है एंट्री पॉइंट पर भी फोर्स लगाया गया है। जो रोड व्यवस्था है वहाँ पर भी जोन और सेक्टर में बांटकर फोर्स लगाया गया है।